गीता में तो मन की बार ये बात की गई है। अच्छा, गीता में योग के बारे में बहुत बोला गया है, एक्सरसाइज, योग एक्सरसाइज नहीं, एक्सरसाइज नहीं, एक्सरसाइज नहीं है, योग, योग के बारे में गीता में बहुत, आजकल योग का अवधारणा ऐसा आ गया है कि योग एक एक्सरसाइज है, लेकिन योग एक एक्सरसाइज नहीं है। योग दर्शन में गीता की एक बार भी चर्चा नहीं हुई है, लेकिन गीता में योग की बार बार चर्चा की गई है। इसे साबित होता है कि योग गीता से पहले था। और पतंजलि योग सूत्र में अष्टांग योग की चर्चा की गई है, जिसमें एक्सरसाइज, जिसको आजकल हम आसन बोलते हैं और प्राणायाम बोलते हैं, ये एक चरण है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, उसके बाद है धारणा, कंसंट्रेशन, ध्यान, मेडिटेशन और समाधि। समाधि, तो देखिए कितने सिस्टम से बताया गया है, शरीर से शुरू होता है और माइंड, माइंड पे जाके खत्म होता है, तब वो कंसंट्रेशन हमको मिलता है। यानी योग का उद्देश्य है मन तक पहुंचना, और मन तक पहुंचने के लिए हमको अपने शरीर से आरंभ करना पड़ेगा, शुरुआत करनी पड़ेगी। तो गीता योग में ये इस बात को बहुत सरल तरीके से बताया गया है। अब आइए, मन तक पहुंचने के लिए जो योग में बताया गया है, योग दर्शन में, ये पतंजलि ने इसका इस्तेमाल कैसे किया, तो गीता में योग और सांख्य दोनों की चर्चा की गई है। अच्छा, और सांख्य योग से भी पहले का दर्शन है, जिसकी जिसके रचयिता थे कपिल, कपिल, कपिल मुनि, महर्षि कपिल, और उन्होंने जब सांख्य में 25 तत्वों की चर्चा की है, उसमें से एक तत्व है मन। जो मन इतना शक्तिशाली होता है कि वो कर्मेंद्रियों के काम भी कर सकता है और ज्ञानेंद्रियों के काम भी कर सकता है अकेले। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, ऐसा व्यक्ति जिसको आंख नहीं होती है कैसे देखता है? मन की आंखों से, मन की आंखों से, इमेजिनेशन। तो मन इतना पावरफुल है और इतना महत्वपूर्ण है, और हमारे प्राचीन दर्शनों में इसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई है, लेकिन दुर्भाग्य से जो सबसे आवश्यक बिंदु है वो अभी तक छुपे हुए, अभी तक उनके बारे में कम बात की कम जाती बात है। और आज भी जब भी योग के बारे में बात करें तो लोगों के दिमाग में आता है कि योग एक एक्सरसाइज है, ट्रीटमेंट है, बीमारों के लिए है, एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि योग का मतलब वही है कि आप बस उठिए और दौड़ना शुरू करिए, वो योग हो गया, हो गया। और योग के नाम में तरह तरह के चीजें दिखाई जाती हैं, जबकि योग का वास्तविक उद्देश्य है मेडिटेशन तक पहुंचना, कंसंट्रेशन तक पहुंचना। यम नियम ये मन के अभ्यास से जुड़ा हुआ है, आसन प्राणायाम शरीर के अभ्यास से जुड़ा हुआ है, प्रत्याहार दोनों से संबंधित है, धारणा ध्यान समाधि ये पूरी तरह से मन से जुड़ा, मन से जुड़ा हुआ है। यानी 8 चरण जो योग को दिए गए हैं उसमें से एक चरण, दो चरण है शरीर से संबंधित, बाकी सभी मन से जुड़े हुए हैं। और अगर उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना बच्चों को सिखाया जाए, प्रारंभ से ही, प्रारंभ से सिखाया जाए, तो मानसिक तनाव होगा ही नहीं। अब मानसिक तनाव को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे नियंत्रित किया जाए, अपने थॉट को कैसे कंट्रोल किया जाए, नकारात्मक विचारों से कैसे मुक्ति पाई जाए, सकारात्मक विचार कैसे लाया जाए, सारे प्रश्नों के जवाब उसमें दिए हुए हैं सिलसिलेवार ढंग से, और आसानी से बच्चों को बताया जा सकता है। तो इस तरीके से हम एग्जाम फोबिया को भी कंट्रोल कर लेंगे और लाइफ लाइफ में आने वाली कई समस्याएं भी हमारी इससे सुलझ सकती हैं। बिल्कुल सुलझ सकती हैं। आज का तो मनुष्य सबसे ज़्यादा पीड़ित है साइकोसोमेटिक बीमारी से, मनोदैहिक बीमारी, कारण मन में है और शरीर पर उसका प्रभाव दिखाई देता है। तो हम जो मेडिसिन खाते हैं उससे शरीर का इलाज तो हो सकता है, मन का इलाज हो नहीं सकता, क्योंकि मन के बारे में और मन को नियंत्रित करने के बारे में हम कुछ करते ही नहीं हैं। न बच्चों को बचपन से बताते हैं, न सिखाते हैं, न स्कूल कॉलेज में सिखाते हैं, और स्कूल कॉलेज में अगर योग की शिक्षा दी भी जाती है तो कुछ आसन प्राणायामों तक ही सीमित रहती है। मतलब कुल मिला के हम शारीरिक जो तरीके हैं उन्हीं को सुधार रहे हैं, मानसिक तरीकों को सुधारने में हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इस अगर हम इस पे ध्यान दें तो ये समस्याएं आराम से सुलह सकती हैं, और ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है, इस पर सिर्फ बच्चों को ट्रेनिंग देने की जरूरत है। शुरुआत से उनको सिखाया जाना चाहिए कि अपने मन को कैसे नियंत्रित करें, आपके मन में अगर कोई नकारात्मक विचार आते हैं तो उसको कैसे दूर करें, अपने मन में सकारात्मक विचार को कैसे, क्योंकि देखिए भाषणबाजी से नहीं काम हो सकता, इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है। भाषण और अच्छी अच्छी बातें आज के समय में बच्चे हमसे ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं।
बिल्कुल, और इतनी सुविधाएं उनके पास हैं कि वो देख लेते हैं कि भाषणबाजी क्या होती है। स्वामी विवेकानंद की जगह अपनी पुस्तक में लिखा भी है कि दुनिया के किसी भी समाज में बच्चों को ये सिखाया ही जाता है कि झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, फिर भी हर समाज में झूठ बोलने वाले लोग होते हैं, चोरी करने वाले लोग पाए जाते हैं। तो बच्चों को ये मत बताइए कि ये मत करो, उसको ये बताइए कि ये क्यों मत करो, इसको करने से तुम्हें नुकसान क्या है, नुकसान बच्चा क्या खुद नहीं करेगा। मतलब हम जो नेगेटिविटी बोलते हैं लगातार, हाँ। अगर हम उसका एक्ट दिखा दें कि व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस, कॉन्सिक्वेंस क्या, हाँ, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, अगर वो हम समझा दें तो ये समस्या जो है वो नियंत्रित हो जाएगी। तो ये केवल एग्जाम्स रिलेटेड समस्या नहीं है, ये हमारे मानसिक जो बीमारियां हैं, जो हम परेशान रहते हैं हर छोटी छोटी समस्याओं को, उनसे भी दूर हमको ये कर देगा। और जो हमारे लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, उसे भी ये हमें बहुत ही जल्दी उधर ले जाएगा। और आने वाले वीडियोस में मैं ये भी आप लोग को बताऊंगा सर के माध्यम से कि किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप इन समस्याओं को समझ सकते हैं और उन्हें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिससे ये समस्या हमारे लिए छोटी सी बात रह जाए। तब तक मैं सिद्धार्थ सर को हम लोग की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो इतना कीमती समय निकाल कर हमारे साथ बैठे और इस समस्या पे हमसे बात की। धन्यवाद सर। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, मैं जो सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे जाएंगे सबके पास पहुंच सके। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भारत माता की जय गाते रहिए।